तो वो एक सर्टिफाइड एक डिफरेंट डॉक्यूमेंट कहलाती है सच रिपोर्ट्स फॉर द कोर्ट माइट फॉर एग्जाम्पल इंक्लूड इंफॉर्मेशन ऑन कंपिटेंसी टू स्टैंड ट्रायल क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और चाइल्ड कस्टडी एवेल्यूएशंस अब जब हम ये फॉरेंसिक रोट नोट्स लिख रहे होते हैं इनका कोई खास परपज़ होता है ये कोर्ट को जजमेंट में हेल्प करती हैं जैसे अगर एक फैमिली डिस्कोर्ट है और उसका एक फोरेंसिक एनालिसिस एक सिनेरियो का एक थेरेपिस्ट ने लिख के दिया है उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि बच्चे की कस्टडी किसको देनी चाहिए या इसी तरीके से मे बी कोई क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसके लिए कौन सा इंडिविजुअल जो है वो एलिज हुआ जैसे एक फैमिली मैटर के अंदर किसी बच्चे को कोई नुकसान पहुँचाए तो उसकी ज़िम्मेदारी किस पर डाली जाएगी जब तक उसकी फोरेंसिक वेलुएशन नहीं होगी ये समझ नहीं आएगी कि घर के किस मेंबर की नेग्लिजेंस की वजह से या लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से यह एक्ट हुआ और इसकी क्रिमिनल रिस्पांसिबिलिटी किस पर एले हो रही है ऑल सच रिपोर्ट्स में ओकेजनली इंक्लूड हेल्थ इंफॉर्मेशन देयर परपज एंड यूटिलिटी फोकस्ड ऑन टू द लीगल सिस्टम एंड मे बी गवर्न बाय द कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स ये जो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स हैं इसके अंदर डिफरेंट तरह के एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि एक फैमिली डिस्कोर्ड है जिसमें एक बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा और उसकी क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी है फैमिली के किसी मेंबर पे लेट्स से उस फैमिली के अंदर जो फादर है उसको ऑलरेडी कोई ऐसा हेल्थ इशू है जिसकी वजह से हम उस पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर सकते तो देन वी हैव टू गिव प्रिविलेज टू दैट पर्सन बिकॉज ही इज नॉट केपेबल इनाफ टू टेक केयर ऑफ अ चाइल्ड प्रॉपरली सो वी हैव टू सी फॉर द हु आर यूज सर्वड एज अ गार्डियन फॉर दैट चाइल्ड और उन पर हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जज करने की कोशिश करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल कोर्ट ऑर्डर फॉरेंसिक रिपोर्ट मे बी सील्ड बाई द कोर्ट एंड नॉट रिलीज इवन विद द कंसेंट ऑफ द पर्सन एड्रेस्ड इन द इन द रिपोर्ट ऐसे सन्ैरीओ में जहाँ पर कोई इस तरह की क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाती है और लोगों के प्रायर रिकॉर्ड्स मेडिकल रिकॉर्ड्स उनकी साइकोथेरेपी नोट्स उनकी आ, हिस्ट्री ली जाती है तो जब तक उस कंसर्न पर्सन से नहीं पूछा जाता कोर्ट उस जजमेंट को सील कर देती है और उनको उस वक्त तक ओपन नहीं किया जाता जब तक उस पर्टिकुलर पर्सन का कंसेंट हमें नहीं मिल जाता एट टाइम्स अ क्लाइंट में ऑल्सो अग्री इन एडवांस पहले तो वो कहता है कि ठीक है मेरा ये डाटा है इसको आप शेयर कर सकते हैं लेकिन बाद में वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी ये इन्फॉर्मेशन जो है वो डिसक्लोज हो तो इस तरह की भी जो चीज़ें हैं वो बाज़ात एक ट्रबलसम सिचुएशन क्रिएट कर सकती हैं इन केस ऑफ सम प्री एम्प्लॉयमेंट और इंडिपेंडेंट मेडिकल इवेल्यूशन एग्जामिनेशन जैसे समाइम्स कोई इंडिविजुअल जो है वो अपनी प्री एम्प्लॉयमेंट uh, जो है असेसमेंट के लिए जाता है और वहाँ पर उसकी uh, कुछ सर्टन प्रॉब्लम्स जो हैं वो असेसमेंट के दौरान uh, सामने आ जाती हैं जैसे आजकल बहुत सारी मल्टी नेशनल कंपनीज जो हैं वो साइकोलॉजिस्ट को हायर करती हैं कि वो अपने क्लाइंट की पर्सनैलिटी प्रोफाइल करवा सकें उस पर्सनैलिटी प्रोफाइल में एक्सीडेंटली उस इंडिविजुअल्स का लेट्स से कि डिप्रेशन का स्कोर बहुत हाई आ जाता है और वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी इस इंफॉर्मेशन को ओपनली बाद में रिलीज़ किया जाए और वो उस चीज़ के लिए आ, अपना कंसेंट नहीं देता और वो कहता है कि ठीक है मुझे जॉब नहीं चाहिए लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप मेरे स्टेटस को ओपन करें सो दैट इज़ द राइट ऑफ द क्लाइंट कि वो अपनी इस हेल्थ स्टेटस को जो है वो अगर नहीं चाह रहा कि वो पब्लिकली किसी कंपनी के प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्प्ले हो तो वहाँ पर उसे नहीं किया जाएगा सो दीज आर दिफ्रेंट ऑफ द रिकॉर्ड जिनकी अभी तक हम बात करें हैं और फोरेंसिक प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स परज बीन यूज रिगार्डिंग दर्पज ऑफ इंटरव्यू एंड दार्टीज हुई ना चाहें लेकिन जिस चीज के लिए अगर कंसेंट एक दफ़ा दे दिया है तो उसको एक्सेस किया जा सकता है लेकिन अगर उसके लिए कंसेंट ही नहीं दिया और इनफॉर्म कंसेंट में उस बात को लिखा ही नहीं है तो फिर दोनों पार्टीज के लिए इसकी ऑब्लिगेशन जो है वो डिफरेंट हो जाती है नाउ अनदर थिंग इज द वर्किंग नोट्स दे रिफर टू दोज इम्प्रेशन हाई एंड हाफ फॉर्म आइडियाज मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल और अ ट्रेनिंग मे जॉट डाउन टू असिस्ट इन फॉर्मुलेटिंग मोर कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशन लेटर जैसे जब हम एक सिचुएशन में बैठ कर एक काम को प्रोसीड कर रहे होते हैं एक हैपनिंग देख रहे होते हैं एक साइकोथेरेपी के प्रोसीजर को और उसके बीच में हम डिफरेंट तरह की नोट्स ले रहे होते हैं वो सारे नोट्स कोई इंटर्नी भी ले सकता है वो नोट्स जो है वो साइकोथेरेपिस ख़ुद भी ले सकता है तो वो वर्किंग नोट्स जो होते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटरी हैसियत रखते हैं और उसको भी बाद सिचुएशन में आपने एक पोथसिस फॉर्म किया होता है इनिशियली बिगनिंग में कि ये पेशेंट मुझे लग रहा है ये शायद इसको डिप्रेशन है अर्ली एज में फिर आप उसकी कुछ थेरेपी के साथ साथ नोट्स देते रहते हैं तो लगता है कि ट्रेंड्स तो बायपोलर की तरफ जा रहे हैं या ट्रेंड्स जो हैं वो लेट्स से कि आपके किसी और पर्सनालिटी डिसऑर्डर की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पर हम अपने नोट्स की हेल्प से उन चीज़ों को कंफर्म करते हैं ऑफ़न दीज नोट्स आर रीवर्क इंटू साइकोथेरेपी नोट्स वो नोट्स बाद में साइकोथेरेप्यूटिक इंटरवेंशन में साइकोथेरेपी के नोट्स भी बन सकते हैं

बिकॉज ये इनका इम्प्रेशन या इनकी वर्किंग जो है वो टेम्प्रेरी होती है तो वर्किंग नोट्स जब तक साइकोथेरेपी नोट्स में ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाते वो उस वक्त तक इतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते और ऐट टाइम्स वो सिंपली डिस्कार्ड भी हो जाते हैं और ऐट टाइम्स उसकी इंटरप्रटेशन या उसकी अंडरस्टैंडिंग सिर्फ उस इंटर्न या उस साइकोथेरेपस्ट को ही हो सकती है जिसने उनको प्रिपेयर किया है सो यू कैन सेट वर्किंग नोट्स आर द प्रिलरी नोट्स and they may be discarded at times and they may be turned into a proper psychotherapeutic notes at later stage at some point of the time